स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मुद्रा के कार्य वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में जो टॉपिक हुआ था मुद्रा के कार्य, उसमें अपन ने प्राथमिक कार्य और द्वितीयक कार्य किए थे। आज अपन आगे चलते हुए मुद्रा के तृतीयक कार्य यानी कि आकस्मिक कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। मुद्रा के प्राथमिक कार्यों में मैंने आपको बताया था कि मुद्रा के जो प्राथमिक कार्य होते हैं उसमें विनिमय का माध्यम के रूप में और मूल्य के माप के रूप में सबसे इम्पोर्टेंट काम मुद्रा का यही माना जाता है। इसके बाद अपन ने द्वितीय कार्य, गौण कार्य या सहायक कार्य, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, इसके अंतर्गत अपन ने मुद्रा मूल्य संग्रह का काम करती है। इसके अलावा विलंबित भुगतान का आधार, ये दोनों जो है मुद्रा के सहायक कार्यों के अंतर्गत आते थे। आज अपन मुद्रा के आकस्मिक कार्यों के अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है इसका मूल्य का हस्तांतरण। मूल्य का हस्तांतरण, ये कार्य मूल्य का हस्तांतरण जो है ये कार्य आपका मुद्रा के आकस्मिक कार्यों या अन्य कार्यों के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत मुद्रा केवल मूल्य संग्रह का काम ही नहीं करती है। मूल्य संग्रह का मतलब होता है कि अपन मुद्रा को देकर आभूषण, शेयर्स, बॉन्ड्स, जमीन जायदाद, परिसंपत्तियां, इनको इकट्ठा करने का काम ही नहीं करती है, बल्कि ये मूल्य का हस्तांतरण भी करती है। मूल्य का हस्तांतरण कैसे करती है? इसके अंतर्गत ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति माल लेता है तो वो कैश पैसा ना देकर दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में जिससे वो माल ले रहा है उसको वो पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है या उसको चेक दे सकता है। जैसे कि अपन बात करते हैं राम ने माल खरीदा, किससे? श्याम से माल खरीदा। अब राम को पैसा देना पड़ेगा, माल खरीदा है तो इसको क्या पैसा देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। अब राम जो है इसको कैश पैसा ना देकर चेक भी दे सकता है, चेक देगा, और ये जो शाम है चेक लगाएगा अपने अकाउंट में जाकर। इस प्रकार राम के अकाउंट से शाम के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो गया, स्थानांतरण हो गया। इस प्रकार ये मूल्य के स्थानांतरण का काम करती है। दूसरी बात करते हैं अपन, इसके अंतर्गत मुद्रा एक स्थान से दूसरे स्थान से भी आसानी से जा सकती है। जैसे मान लो मैं कहीं घूमने जा रही हूँ या यात्रा करने जा रही हूँ, कहीं भी अपन बाहर जा रहे हैं, तो मैं एक साथ कैश पैसा नहीं ले जाऊँगी। क्यों? क्योंकि अगर एक साथ कैश पैसा लेके जाते हैं तो चोरी वगैरह की जोखिम रहती है, संभावना रहती है। तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने पैसों को, मानो 50,000 रुपये को मैंने अपने बैंक के अकाउंट में डाल दिया, बैंक के अकाउंट में डाला है। अब जहाँ पर मैं जा रही हूँ वहाँ जाकर मैं वहाँ से उसी ब्रांच से जो है ये अपना पैसा निकाल सकती हूँ और उस पैसे को काम में ले सकती हूँ, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इस प्रकार ये मूल्य के हस्तांतरण के रूप में काम करती है। नेक्स्ट आता है आपका कार्य आकस्मिक कार्यों के अंतर्गत ही मुद्रा साख का आधार है। मुद्रा साख का आधार है। जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ है, जब से सभ्यता आधुनिक अर्थव्यवस्था आई है, तब से बैंकों की स्थापना होने के बाद साख यानी उधार की प्रक्रिया लगातार बढ़ती चली जा रही है। आज जो अपन मोटे मोटे प्रोजेक्ट्स वगैरह देखते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो देखते हैं, बड़े बड़े घर वगैरह देखते हैं, ये सारे साख के कारण ही तो हुआ है। तो यहाँ पर बात करते हैं अपन, आजकल व्यापारिक बैंक जो है साख का निर्माण करते हैं, वह नगद जमा को के प्राप्त होने पर उसकी कुछ गुना राशि ग्राहक को उधार दे सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि बैंक जो होते हैं, बैंकों का जो मुख्य कार्य होता है वो मुख्य कार्य होता है जमा स्वीकार करना। जमा स्वीकार करना, ये जमा किसके द्वारा होती है? ये जमा होती है परिवारों के द्वारा, समाज के द्वारा,
अर्थव्यवस्था जिसको अपन कहते हैं, लोगों के द्वारा छोटी छोटी बस्तें, क्योंकि हर व्यक्ति आर्थिक क्रियाएं करता है, आर्थिक क्रियाएं कर धन अर्जित करता है, उस धन से अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदता है यानी उपभोग करता है, उसके बाद जो पैसा बचता है वो बचत कहलाती है। ये बचत ही बैंकों में जमा कराई जाती है परिवारों के द्वारा, समाज के द्वारा। अब यहाँ पर ये जो छोटी छोटी बस्तें होती है, बैंक पैसा जमा करता है, अब इस बचत के, इस नगद जमा के आधार पर बैंक क्या करता है, कुछ पैसा अपने पास रखता है और बाकी को वो उधार दे देता है। अब इसमें अपन बात करते हैं, मान लो पांच व्यक्ति हैं, उन्होंने 100-100 रुपए जमा कराए बैंक में, पांच व्यक्ति हैं उन्होंने 100-100 रुपए बैंक में जमा कराए, तो बैंक क्या करेगा, इसका रिजर्व अनुपात जिसको RR बोलते हैं, 20% मानो दर कर रखी है RBI ने, तो रिजर्व अनुपात 20% है, तो वो 20 रुपये बैंक अपने पास रखेगा, हर 100 रुपये में से 20-20 रुपये अपने पास रखेगा। ये मैं पांच लोगों का लिख देती हूँ, पांच लोगों ने 100-100 रुपये जमा कराए हैं, बैंक RR यानी रिजर्व अनुपात 20-20 रुपये रखेगा और 80 रुपये क्या कर देगा, साख सृजन कर देगा। साख सृजन का मतलब होता है उधार दे देगा। उधार किसको देगा, जिस व्यक्ति को या जिस फर्म को पैसों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो बहुत बड़ी जो कंपनियां होती है, जिनके पास लोगों के जो व्यवसायी होते हैं, उनके पास पैसे अगर नहीं होते हैं तो वो बैंकों से उधार लेते हैं और उसके बदले में क्या देते हैं, ब्याज देते हैं बैंकों को। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं, मान लो ये पांच व्यक्ति है, इन्होंने 100-100 रुपये बैंक में जमा कराए, तो बैंक क्या करता है, 20 रुपये तो अपने पास रख लेगा 20% के आधार पर, और बाकी 80 रुपये जो है साख सृजन कर देगा, यानी जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता है उसको वो उधार दे देगा। अब अपन बात करते हैं कि ये 20-20 रुपये ये रखें तो बैंक इसका क्या करती है, ये 20-20 रुपये इसलिए रखे जाते हैं कि व्यक्ति बैंक में पैसा जमा कराने आते हैं तो पैसा निकालने के लिए भी तो आते हैं, तो बैंक इन 20-20 रुपये यानी कुछ % अपने पास रखता है, ताकि कोई भी व्यक्ति जब बैंक में पैसा निकालने आए तो बैंक उसे मना ना करे, क्योंकि अगर बैंक मना करेगा तो लोगों का बैंकों पर से विश्वास उठ जाता है। इस प्रकार वो पैसा अपने पास रखती है और ये जो है 80 रुपये के आधार पर जो है उधार दे देती है। अब अपन यहाँ बताते हैं 20% का जो रेशो आता है आपका, ये आता है पांचवा भाग, कितना, पांचवा भाग आता है। अब 100 रुपये की जमा पर साख सृजन कितना हुआ, 400 हो गया, यानी एक व्यक्ति ने 100 रुपये जमा कराए, साख सृजन इस प्रकार 400 हो जाता है। यहाँ पर अपन ये बताते हैं कि जितनी बैंकों में जमाएँ होगी उतना ही साख सृजन बढ़ेगा, जितनी बैंकों में जमा इकट्ठी होगी उतना ही साख सृजन बढ़ता है, यानी उधार देने की प्रक्रिया बढ़ती है। व्यापारिक बैंकों के द्वारा ये जो साख सृजन की प्रक्रिया है, यानी व्यापारिक बैंक हवा में ही बातें नहीं करते हैं, जितनी बैंकों में जमा होगी उतना ही साख सृजन बढ़ता जाएगा, यानी देश की अर्थव्यवस्था में अगर विकास करना है तो लोगों की आय का बढ़ना बहुत ही जरूरी है, और लोगों की आय बढ़ेगी, उपभोग बढ़ेगा, बचत भी बढ़ेगी, बचत बढ़ेगी तो बैंकों में पैसा ज़्यादा जमा होगा, और बैंकों में ज़्यादा पैसा जमा होगा तो निवेश भी ज़्यादा होगा, और ज़्यादा निवेश होने से, मैंने आपको पहले ही बता दिया, निवेश ज़्यादा होगा तो आय पुनः बढ़ती है और देश की अर्थव्यवस्था का विकास भी होता है। इस प्रकार व्यापारिक बैंक जो है साख का मुद्रा जो व्यापारिक बैंक जो है साख प्रक्रिया के माध्यम से उधार देने का काम करते हैं। नेक्स्ट बात आती है अपनी थर्ड कार्य जो है आकस्मिक कार्यों के अंतर्गत राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार। राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार, ये अपना आकस्मिक कार्यों के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय आय जिसको अपन नेशनल इनकम बोलते हैं, जब अपन राष्ट्रीय आय वाला लेसन पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं वाला, उसके अंतर्गत आपको बताया जाएगा कि राष्ट्रीय आय की तीन विधियां होती है। एक तो होती है वस्तु प्रवाह विधि, जिसको अपन बोलते हैं GNP के अंतर्गत, एक होती है आपकी आय प्रवाह विधि GNI, और एक होती है आपकी व्यय विधि
GNE, यानी चाहे वस्तु प्रवाह से करो, चाहे आप आय प्रवाह से राष्ट्रीय आय की गणना करो, चाहे आप व्यय प्रवाह से राष्ट्रीय आय की गणना करो, राष्ट्रीय आय सेम ही आएगी। आप किसी भी विधि के द्वारा जो है राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार कैसे होता है। कोई भी उत्पादक जो कि उत्पादन करता है वो उत्पादन के साधन काम में लेता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उत्पादन प्रक्रिया में जो उत्पादन के साधन काम में लिए जाते हैं, उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं, श्रम, भूमि, पूंजी, ये तो है ही। इसके अलावा जो साहसी होता है उसका लाभ होता है। ये प्रतिफल था, यहाँ पर मैं उत्पादन के साधन का नाम ही लिखूंगी जिसको साहसी बोला जाता है। अब ये जो साहसी है ये उन उत्पादन के साधनों को इकट्ठा करता है और वो ये निर्धारित करता है कि मेरे को ज़्यादा लाभ कैसे होगा, यानी वो जहाँ पर श्रम की आवश्यकता है श्रमिकों को लगाएगा, जहाँ पर पूंजी की आवश्यकता है पूंजी को लगाएगा। अगर श्रमिक सस्ते हैं और पूंजी महंगी है तो श्रमिकों को ज़्यादा मात्रा में लगाएगा, और अगर श्रमिक महंगे हैं और पूंजी सस्ती है तो मशीनों को ज़्यादा लगाकर लागत को कम करके उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करता है। तो जो उत्पादन के साधन काम में लिए जाते हैं इन उत्पादन के साधनों को प्रतिफल भी तो मिलता है। तो उत्पादक जो भी उत्पादन करता है उस उत्पादन को बाजार में बेचता है और बेचकर आय प्राप्त करता है। इस आय को वह श्रमिक को मजदूरी के रूप में, भूमि के लगान के रूप में, पूंजी के ब्याज के रूप में और साहसी के लाभ के रूप में, यानी इन तीनों को देने के बाद जो बचता है वो साहसी का लाभ होता है। तो जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ है राष्ट्रीय आय के वितरण जो है, राष्ट्रीय आय का जो वितरण है यानी उत्पादन के साधनों को ये जो प्रतिफल दिया जाता है, ये प्रतिफल आराम से या आसान हो गया है देना। इस प्रकार मुद्रा राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार भी होती है। नेक्स्ट है उत्पादकों व उपभोक्ताओं, उत्पादकों व उपभोक्ताओं अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादक भी होते हैं और उपभोक्ता भी होते हैं। तो उत्पादक व उपभोक्ताओं द्वारा साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग, साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग बोल दीजिए, उपयोग बोल दीजिए, कुछ भी एक ही बात है। ये अपना नेक्स्ट आकस्मिक कार्यों के अंतर्गत ही है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं अर्थव्यवस्था में चाहे उत्पादक हो चाहे उपभोक्ता हो, उत्पादक की अगर अपन पहले बात करते हैं तो एक जो उत्पादक होता है जो वस्तु को बनाता है उसको उत्पादक बोलते हैं। तो जो एक उत्पादक होता है उसका उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, लाभ कमाना उसका उद्देश्य होता है। और उसका लाभ कब ज़्यादा होता है, उसका लाभ होगा लागत को कम करके, लागत को कम करके ही उसका लाभ होगा। अगर अपन बात करते हैं, मैं आपसे पूछती हूँ कि एक उत्पादक जो है लाभ किस प्रकार से ज़्यादा कर सकता है, तो हो सकता है आप जवाब दे दो कि मैडम वस्तु की कीमत को बढ़ाकर, क्योंकि जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसे ज़्यादा पैसा प्राप्त होगा और ज़्यादा पैसा प्राप्त होगा तो उसका लाभ अपने आप ही बढ़ेगा। लेकिन अगर वो वस्तु की कीमत को बढ़ाता है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे वो वस्तु की कीमत को बढ़ाता है, जैसे वो पेन बना रहा है, पेन बनाने की फैक्ट्री है उसके पास और पेन की कीमत कितनी है, 10 रुपये, ठीक है, उसकी लागत आ रही है 7 रुपये, प्रतिफल कितना मिल रहा है उसको, 3 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है, लाभ मिल रहा है एक पेन पर, ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि वो अपना लाभ ज़्यादा कैसे बढ़ा सकता है। अगर आप मान लो 10 रुपये की कीमत पर उसके 1000 पेन बिक रहे हैं, मांग कितनी है 1000 पेन की, अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कीमत को बढ़ा देते हैं, कीमत बढ़ा दी 12 रुपये, लागत वही 7 रुपये, प्रॉफिट हो गया 5 रुपये, ये लाभ हो गया, ठीक है। लेकिन जब जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ती है उसकी मांग कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि ये मांग का नियम है, अगर वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाती है, वस्तु की कीमत कम होगी तो मांग बढ़ जाती है। अब यहाँ पर 1000 की जगह हो सकता है 800 ही पेन बिके,
800 पेन बिकेंगे तो उसका लाभ ज़्यादा होगा या कम होगा, उसका लाभ कम हो जाएगा। इस प्रकार वस्तु की कीमत को ना बढ़ाकर, यहाँ पर अपन बात करते हैं वस्तु की कीमत को, अपन ने क्या कर दिया 10 रुपये कर दिया, और जो वो लागत यूज़ में ले रहा था यानी जो उत्पादन के साधन काम में ले रहा था वो महंगे श्रमिकों की जगह सस्ते श्रमिक लगाएगा। हो सकता है श्रमिक अगर महंगे पड़ रहे हों तो मशीनों का प्रयोग ज़्यादा करेगा, या हो सकता है उसको मशीनें ज़्यादा महंगी पड़ रही हो तो श्रमिकों का प्रयोग करेगा। इस प्रकार वो अपनी लागत को 7 रुपये से जो है 6 रुपये या 5 रुपये कर लेता है तो उसका लाभ अपने आप ही 5 रुपये हो जाएगा। तो उत्पादक का उद्देश्य जो होता है लाभ कमाना होता है, यानी वो लागत को कम करके वस्तु की क्वालिटी को वही रखे, क्योंकि अगर वस्तु की क्वालिटी में अगर उसने अंतर कर दिया यानी वस्तु की क्वालिटी उसने ख़राब कर दी तब भी वो इतनी वस्तुएं नहीं बेच पाएगा जितनी वो बेच सकता था। तो उसका यही उद्देश्य रहता है कि लागत को कम करके लाभ प्राप्त किया जाए। तो यहाँ पर उत्पादन के जो साधन हैं उसमें वो ये डिसाइड करता है कि मैं उत्पादन के साधनों का किस प्रकार से प्रयोग करूं ताकि मेरी लागत कम आ जाए। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि श्रमिक अगर सस्ते होंगे तो वो सस्ते श्रमिक लेगा, मशीनें कम लेगा, मशीनें अगर सस्ती है तो मशीनें ज़्यादा लेगा और श्रमिक कम लेगा। इस प्रकार वो लागत को कम करके जो है लाभ को कमा सकता है। यही बात करते हैं अपन उपभोक्ताओं की। उपभोक्ता का उद्देश्य क्या होता है? उपभोक्ता का उद्देश्य होता है सीमित आमदनी से ज़्यादा वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करना, क्योंकि आय तो उपभोक्ता की सीमित होती है और सीमित आमदनी से वो अपनी आवश्यकता की वस्तुएं इस प्रकार से खरीदता है ताकि सभी वस्तुओं पर जो पैसा खर्च करता है उससे संतुष्टि लगभग उसको बराबर प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर बात करते हैं उपभोक्ता की आय कैसी होती है? सीमित होती है। और उसकी आवश्यकताएं कैसी होती है? उसकी आवश्यकताएं असीमित होती है। असीमित का मतलब बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, तो वो उन विभिन्न आवश्यकताओं पर इस प्रकार से पैसा खर्च करता है कि सभी आवश्यकताएं लगभग बराबर हो जाए। जैसे अपन वो एग्जांपल देते हैं, उदाहरण देते हैं कि मान लो आपके पापा हैं, उनको हर महीने सैलरी प्राप्त होती है, अब उससे वो उपभोग करते हैं तो वो खाने पर भी पैसा खर्च करते हैं, अनाज पर भी पैसा खर्च करते हैं, सब्जियों पर भी, दूध पर भी, एजुकेशन पर भी, दवाई पर भी, इसके अलावा कपड़ों पर भी, ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर पैसा खर्च किया जाता है। तो वो पैसा इस प्रकार से डिवाइड करते हैं जिससे उनकी अनाज की, सब्जी की, दूध की, फ्रूट्स की, एजुकेशन की, दवाइयों की, इन सब से पर जो पैसा खर्च किया जाएगा वो उनकी मांग के अकॉर्डिंग होगा, और वो जब वस्तु का यूज़ करेंगे तो उनका सेटिस्फेक्शन लगभग सभी वस्तुओं जो प्राप्त हो रहा है वो सभी का बराबर होगा, तभी से उसे ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी। अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो पहले बीमारी पर पैसा खर्च होगा, अगर घर में शादी है तो पहले शादी पर पैसा खर्च होगा। तो पैसा जो खर्च किया जाता है वो आवश्यकताओं या प्राथमिकताओं के अकॉर्डिंग खर्च होता है, और प्राथमिकता के अकॉर्डिंग जब पैसा खर्च होता है तो व्यक्ति जो वस्तु चाह रहा था वो काम पूरा हो जाता है और उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। अगर बात करते अपन कोई चीज़ महंगी हो जाती है, तो कोई चीज़ महंगी हो गई तो उपभोक्ता उस महंगी वस्तु पर पैसा थोड़ा कम खर्च करेगा, और कोई वस्तु सस्ती हो जाती है तो उपभोक्ता सस्ती वस्तु पर थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च करेगा। इस प्रकार वो संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ है उत्पादकों और उपभोक्ताओं के द्वारा साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग होने लगा है। नेक्स्ट है आपका धन को तरलता प्रदान करना। धन को तरलता प्रदान करना। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी, तो वस्तुओं के रूप में ही जो भी चीजें इकट्ठी की जाती थी वो ही धन संग्रह का काम करती थी। जैसे अपन बात करते हैं पहले अनाज के रूप में, पशुओं के रूप में, इन रूप में धन इकट्ठा किया जाता था, लेकिन ये पशु वगैरह, अनाज की अगर अपन बात करते हैं तो अनाज खराब हो जाता है, पशु वगैरह मर जाते हैं तो इससे उनको नुकसान होने की संभावना रहती थी। अब जो है मुद्रा का आविष्कार होने लगा है तो व्यक्ति जब आर्थिक क्रियाएँ करता है तो आर्थिक क्रियाएँ कर धन अर्जित करता है। व्यक्ति आर्थिक क्रियाएँ करता है और आर्थिक क्रियाएं करके क्या करता है? धन अर्जित करता है। इस धन से अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदकर
उपभोग करके बाकी पैसा होगा उसकी क्या करेगा, वो बचत करता है, और इस बचत के द्वारा वो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, निवेश कर सकता है, बॉन्ड्स खरीद सकता है, इसके अलावा आभूषण खरीद सकता है और जमीन जायदाद जिसको अपन प्रॉपर्टी वगैरह बोलते हैं, इनमें भी पैसा वो निवेश कर सकता है। यानी इसने क्या किया है, परिसंपत्तियों के रूप में, शेयर्स के रूप में, बॉन्ड्स के रूप में, आभूषणों के रूप में धन संग्रह किया है। लेकिन जब भी इस व्यक्ति को पैसों की आवश्यकता होती है तो वो शेयर मार्केट में जाकर अपने शेयरों को बेचकर, या शेयर्स के भाव ज़्यादा हो जाते हैं तब उसे बेचकर लाभ कमा सकता है। इसी प्रकार बॉन्ड्स बेचकर अपने धन को तरल रूप में प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार आभूषण की बात करते हैं, अगर उस व्यक्ति को पैसों की आवश्यकता है तो वो आभूषण्स को बेचकर, ज्वेलरी को बेचकर धन को तरल रूप में प्राप्त कर सकता है, और जमीन जायदाद को भी इसी प्रकार बेचकर वो धन को तरल रूप में प्राप्त करेगा, और धन को तरल रूप में प्राप्त करके जिस चीज़ की उसे आवश्यकता है वो धन को तरल रूप में देकर उस चीज़ को प्राप्त कर सकता है। अगर अपन यहाँ बात करते हैं कि धन को तरल रूप में ना देकर अगर वो शेयर्स ही दे दे, बॉन्ड्स ही दे दे, आभूषण ही दे दे या जमीन जायदाद दे दे, तो ज़रूरी नहीं है अगला व्यक्ति जिसको आपको पैसा देना है वो आपके शेयर्स ले, बॉन्ड्स ले, आभूषण लें या जमीन जायदाद लें। इस प्रकार मुद्रा जो होती है उसको तरल रूप में या नगद रूप में लेने से कोई व्यक्ति मना नहीं करता है, लेकिन इन रूपों में लेने से वो हो सकता है मना कर सकता है। इस प्रकार व्यक्ति जो है इन चीज़ों के रूप में पैसे को धन को इकट्ठा करता है, और जब उसे आवश्यकता होती है या जब उसे जो है पैसों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है तो वो इनको बेचकर धन को तरल रूप में प्राप्त करके या नगद रूप में प्राप्त करके इसका भुगतान करके आराम से काम में ले सकता है। इस प्रकार जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ है धन को तरलता प्रदान करने का कार्य भी इसके अंतर्गत किया जाने लगा है। ये आपके मुद्रा के आकस्मिक कार्य थे। बात करते हैं अपन अन्य कार्य, यानी छोटे मोटे कुछ और कार्य हैं। आधुनिक समाज में मुद्रा का ये कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। ज़्यादातर बचत जो है परिवार करते हैं, लेकिन वे उसका पूरा निवेश स्वयं नहीं कर पाते हैं। सरकारें वे फर्में पारिवारिक वस्तुओं को आधार लेकर, उधार लेकर निवेश करती है। यानी मैंने आपको बताया परिवार के द्वारा बस्तें की जाती है, छोटी छोटी बस्तें, क्योंकि जो परिवार होते हैं उनकी आय, किसी की आय ज़्यादा होती है, किसी की आय कम होती है, तो वो जो है बैंकों में जाकर, पोस्ट ऑफिस में जाकर, LIC या वित्तीय संस्थाओं में पैसा जाकर जमा कराते हैं, उसके बदले में उन्हें ब्याज प्राप्त हो जाता है। तो ये परिवारों के द्वारा जो बचतें की जाती है, हर परिवार निवेश नहीं कर पाता है, जो बचतें की जाती है सरकार फर्में ये बैंकों से, पोस्ट ऑफिस से उधार लेकर निवेश करती है। इस प्रकार बचत और निवेश में कड़ी स्थापित करने का काम भी मुद्रा के द्वारा ही होने लगा है। ये आपके मुद्रा के कार्य खत्म हुए। अगर इसका जो है बड़ा क्वेश्चन आता है तो अपने को वही पहले इंडेक्स बनानी पड़ेगी, तालिका बनानी पड़ेगी, फिर आपको मुद्रा के प्राथमिक कार्य, मुद्रा के द्वितीय कार्य, मुद्रा के तृतीय कार्य करके उन सबको बताना पड़ेगा, और फिर इन पॉइंट्स की डिटेल करनी पड़ेगी। मुद्रा के कार्य होने के बाद अपन नेक्स्ट यही लेसन चलेगा, इसी लेसन के अंतर्गत अपन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे या पॉइंट करेंगे जिसमें आपका मुद्रा का महत्व आता है, मुद्रा का महत्व। अपन कोई भी चीज़ पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं तो कोई चीज़ का महत्व होगा तभी तो करेंगे। तो मुद्रा के महत्व की अपन बात करते हैं। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान जो है चक्कर लगाता है। यानी मुद्रा को क्या माना है, धुरी माना है। ये मुद्रा एक धुरी है जिसके अंतर्गत सारा आर्थिक विज्ञान चारों ओर से क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। यानी मुद्रा एक मेन चीज़ है जिसके लिए कोई व्यक्ति प्राथमिक क्रियाएं करता है, कोई व्यक्ति द्वितीय क्रियाएं करता है, कोई व्यक्ति तृतीय क्रियाएं करता है। प्राथमिक क्रियाओं को मैं फर्स्ट के द्वारा, द्वितीय क्रियाओं को सेकंड के द्वारा, और तृतीय क्रियाओं को थर्ड के द्वारा बता रही हूँ। यानी चाहे आप प्राथमिक कार्य करो, चाहे आप द्वितीय कार्य करो, चाहे आप तृतीय कार्य करो, अर्थव्यवस्था में इन तीनों ही कार्यों के द्वारा व्यक्ति को क्या प्राप्त होती है, मुद्रा प्राप्त होती है। तो मार्शल का ये कथन मुद्रा के महत्व को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान क्या लगा रहा है, चक्कर लगाता है। मुद्रा का जब से आविष्कार हुआ है तो मुद्रा ने मानवीय स्वतंत्रता को बढ़ाया है, क्योंकि हम इस मुद्रा का अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकते हैं।
जहाँ पर अपने को चाहिए वहाँ पर अपन मुद्रा को आवश्यकता के अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। इसमें इसने जो है मुद्रा ने पूंजी को अधिक गतिशील व उत्पादक भी बनाया है। गतिशील व उत्पादक कैसे बनाया है इसको मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताऊंगी। पूंजीपति अपनी जो है पूंजी को कम लाभ की जगह ज़्यादा लाभ की तरफ जो है दिशा में जो है लगा सकता है। जैसे अपन बात करते हैं कोई भी व्यापारी है या कोई भी पूंजीपति है उसके पास 5 लाख रुपए हैं, उसके पास क्या है 5 लाख रुपए है, बैंक ए और बैंक बी, दो बैंक हैं, बैंक ए और बैंक बी। बैंक ए में उसे 5% ब्याज प्राप्त हो रहा है और बैंक बी में उसे 7% ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो उत्पादक जो है या जो पूंजीपति है या व्यवसायी जो आप कुछ भी कह सकते हो इसको, अब आप बताओ इसमें पूंजीपति उत्पादक व्यवसायी किधर पैसा लगाएगा, वो लगाएगा इधर पैसा, क्योंकि उसे 2% एक्स्ट्रा प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ है इसने पूंजी को अधिक गतिशील और उत्पादक बनाया है। अगर अपन बात करते हैं कि कोई भी जो उत्पादक होगा वो उसी कार्य को करना पसंद करेगा या उसी कार्य में पैसा निवेश करना पसंद करेगा जहाँ पर उसे लाभ की संभावनाएं ज़्यादा लगती है। हमें इतना कहकर ही संतोष करना होगा कि ये आधुनिक आर्थिक जीवन का क्या है, प्राण है। ये क्या मुद्रा, मुद्रा आधुनिक आर्थिक जीवन का प्राण है। हर व्यक्ति धन अर्जित करने के लिए कार्य करता है। अगर कोई भी व्यक्ति है जिसको धन प्राप्त नहीं होता है तो वो गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, जो मैंने आपको कल बताई थी कि गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। जिस काम को करने से धन प्राप्त नहीं होता है वो गैर आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत अपन उदाहरण दे सकते हैं, जैसे आप खुद के खेत में सब्जी उगाते हो और उस सब्जी का यूज़ आप खुद कर रहे हो तो वो गैर आर्थिक क्रिया में आएगा क्योंकि उसका पैसा आप खरीदोगे। घर में जो महिलाएं काम करती है, साफ सफाई वगैरह करती है, तो वो भी गैर आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है क्योंकि उसके बदले में उन्हें कोई भी पारिश्रमिक प्राप्त नहीं होता है। स्कूल का अध्यापक टीचर है वो अपने बच्चे को अगर घर पर ट्यूशन मतलब घर पर पढ़ाता है तो वो भी आपका गैर आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आएगा क्योंकि उसमें भी उसे कोई भी पैसा प्राप्त नहीं होता है। लेकिन वही अध्यापक अगर दूसरे बच्चों को पढ़ा रहा है ट्यूशन तो वो आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आ जाता है क्योंकि उसके बदले में उसे पैसा प्राप्त होता है। इस प्रकार मुद्रा आर्थिक जीवन का प्राण है, अर्थात मुद्रा के बिना आधुनिक अर्थव्यवस्था जो कि अभी आज की अर्थव्यवस्था है इसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। अब अपन मुद्रा के महत्व को पॉइंट्स के अंतर्गत करेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसका क्या महत्व है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में इसका क्या महत्व है और मुद्रा के आर्थिक क्षेत्र में इसका क्या महत्व है। इसकी अपन एक इंडेक्स बनाएंगे। आप लोगों को भी अगर मुद्रा के महत्व वाला क्वेश्चन आता है तो अपने को भी जो है एग्ज़ाम में बिल्कुल पहले इंडेक्स बनानी है और उसकी डिटेल पॉइंट टू द पॉइंट करनी है। मुद्रा का महत्व इसको 3 भागों में बांटा गया है। मुद्रा का आर्थिक क्षेत्र में महत्व फर्स्ट, सेकंड हो जाएगा आपका मुद्रा का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में महत्व और थर्ड हो जाएगा आपका मुद्रा का समाजवादी अर्थव्यवस्था में महत्व। ये मुद्रा के महत्व को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। अगर अपन आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं तो आर्थिक क्षेत्र में आता है, आर्थिक क्षेत्र अभी बताया था मैंने आपको, जिनसे धन प्राप्त होता है वो आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो इसके अंतर्गत अपन डिटेल पढ़ेंगे, पॉइंट्स पढ़ेंगे। मुद्रा का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में महत्व, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सारा क्रियाकलाप निजी क्षेत्र के अंतर्गत होता है। और आपको पता होना चाहिए निजी क्षेत्र का जो उद्देश्य होता है वो निजी क्षेत्र का उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, यानी
इसका मेन उद्देश्य होगा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए कार्य किए जाते हैं। इसमें अपन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण आप अमेरिका का दे सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं अपन समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसमें सारे क्रियाकलाप किसके द्वारा होते हैं, सरकार के द्वारा होते हैं, और सरकार का उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण करना। अब अपने आप देखो, सरकार के द्वारा ट्रेन वगैरह चलाई जाती है, सरकार के द्वारा बस वगैरह चलाई जाती है, सरकार के द्वारा सड़कें वगैरह बनाई जाती है, सरकार के द्वारा बिजली दी जाती है, सरकार के द्वारा पानी वगैरह दिया जाता है, तो ये सब सरकार की यहाँ पर कीमत लागत तो बहुत ज़्यादा आती है, कीमत ज़्यादा होती है, लेकिन वो आम जनता से जो है कीमत बहुत ही कम वसूल करता है, क्योंकि इसमें लोगों का कल्याण को ही ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार यहाँ पर मुद्रा का समाजवादी अर्थव्यवस्था में महत्व आता है। अगर अपन बात करते हैं मुद्रा का आर्थिक क्षेत्र में क्या महत्व है, फर्स्ट है उपभोक्ता के लिए, उपभोक्ता के लिए मुद्रा का महत्व, मुद्रा का महत्व। सेकंड हो जाएगा आपका उत्पादक के लिए, उत्पादक के लिए मुद्रा का महत्व, उपभोक्ता के लिए मुद्रा का महत्व, उत्पादक के लिए मुद्रा का महत्व। बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव होने लगा है जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ है, बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव होने लगा। अभी अपन पॉइंट्स लिखेंगे, बाद में इसकी डिटेल करेंगे। तो जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ है बड़े पैमाने पर उत्पादन भी संभव होने लगा है। वितरण के लिए, वितरण के लिए मुद्रा का महत्व। वितरण का मतलब क्या होता है बताऊंगी मैं आपको। वितरण के लिए मुद्रा का महत्व, वितरण का मतलब होता है बांटना। जैसे उत्पादक उत्पादन करता है, उत्पादन के साधनों को काम में लेकर, तो उस जो भी उत्पादन हुआ है उस उत्पादन को उत्पादक बाजार में बेचेगा, आय प्राप्त करेगा, और उन उत्पादन के साधनों को आय मजदूरी के रूप में, लगान के रूप में, ब्याज के रूप में प्रदान की जाती है। और नेक्स्ट है जीवन स्तर की वृद्धि में सहायता, जीवन स्तर की वृद्धि में सहायता। अभी आपको पता है कि अपन अर्थव्यवस्था में देखते हैं, क्या अर्थव्यवस्था में सारे लोग अमीर हैं, क्या अर्थव्यवस्था में सारे लोग गरीब हैं, क्या अर्थव्यवस्था में सारे लोग मिडिल क्लास हैं? नहीं, अर्थव्यवस्था में अलग अलग लोग हैं, अमीर भी लोग हैं, गरीब भी लोग हैं, और मध्यम वर्गीय लोग भी हैं। तो जिनकी आय ज़्यादा होती है वो अमीर, जिनकी आय ठीक ठीक होती है वो मध्यम वर्ग में आते हैं, और जिनकी आय बहुत ही कम होती है वो गरीब वर्ग में आते हैं। तो यहाँ पर जीवन स्तर की वृद्धि में भी सहायता की है जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ है, क्योंकि जो व्यक्ति जितनी आर्थिक क्रियाएं करेगा, जितना धन अर्जित करेगा, उसका जो है जीवन स्तर में वृद्धि होगी, और जीवन स्तर में वृद्धि होगी तो वो ज़्यादा वस्तुएं खरीदेगा और उसको ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होती है, ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी तो वो और ज़्यादा धन कमाने की क्रियाएँ करेगा। इसी प्रकार अपन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बात करते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में सर्वोत्तम आवंटन, उत्पादन की क्रियाओं में, उत्पादन की विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में, विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में साधनों का सर्वोत्तम आवंटन, साधनों का सर्वोत्तम आवंटन। नेक्स्ट आता है अपना पूंजी निर्माण में महत्व, पूंजी निर्माण में महत्व, पूंजी निर्माण में महत्व कैसे होता है? पैसे से ही तो
पैसा बनता है तो व्यक्ति पहले धन अर्जित करता है, बचत करता है, उस बचत को निवेश करता है, निवेश करेगा तो और आय अर्जित करेगा, और आय अर्जित करेगा तो और ज़्यादा बचत करेगा, और ज़्यादा बचत करेगा तो वो और निवेश करता है। इस प्रकार पूंजी निर्माण में भी ये सहायक होती है। नेक्स्ट है उपभोक्ता की सार्वभौमिकता। उपभोक्ता की सार्वभौमिकता में महत्व। उपभोक्ता की सार्वभौमिकता में महत्व, ये भी आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है कि उपभोक्ता की सार्वभौमिकता में महत्व, ये भी अपन आगे करेंगे। मौद्रिक व वित्तीय संस्थाओं में महत्व, मौद्रिक व वित्तीय संस्थाओं में महत्व, ये आपके सारे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं जिसकी डिटेल अपन आगे करेंगे। अब आता है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का क्या महत्व होता है, तो इसमें मूल्य के माप के रूप में प्रयोग, मूल्य के माप के रूप में प्रयोग, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। मूल्य के माप के रूप में प्रयोग के अंतर्गत क्या आता है, अभी आप देखो बाजार में या कहीं भी अपन जाते हैं तो बहुत सारी वस्तुएं होती है, तो उनकी कीमतें कैसी होती है, अलग अलग होती है, यानी कि उस वस्तु की कीमत उतने रुपए में मापी गई है, तो अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग कीमत होती है। अब अपन जूतों की बात करते हैं तो जूते 200 रुपये के भी होते हैं, जूते 1000 रुपये के भी होते हैं, जूते 5000 रुपये के भी होते हैं, जूते 10000 या 20000 के भी होते हैं, तो यहाँ पर जूता श्रेणी तो एक ही आ रही है लेकिन उसकी कीमत कैसी होती है, अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग ब्रांड के होते हैं तो उनको मुद्रा के रूप में मापा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय लेन देन। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में जो है महत्व किसका, मुद्रा का। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में मुद्रा का महत्व, पहले विदेशी व्यापार नहीं होता था, यानी हम सिर्फ हमारे देश में वस्तुएं बनाकर हमारे देश में यूज़ करते थे, लेकिन जैसे जैसे सभ्यता या समाज का विकास हुआ, आधुनिक अर्थव्यवस्था का रूप आया, हम जो है विदेशी व्यापार भी करने लगे। जो वस्तुएं हमारे यहाँ पर महंगी आती थी उनको हम जो हम यह हमारे यहाँ पर वस्तुएं महंगी बनती थी उनको हम हमारे यहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन ना करके हम आयात करते हैं, और जो हमारे यहाँ पर वस्तुएं सस्ती बनती है उनका हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। तो जो देश जिस वस्तु को मंगाएगा उसका भुगतान उसे उसी मुद्रा में करना होता है। तो जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ है तब से अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में भी मुद्रा का महत्व बढ़ गया है। नेक्स्ट है लास्ट, लागत लाभ की गणना में महत्व। लागत लाभ की गणना में महत्व, यह आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है लास्ट पॉइंट है। कोई भी उत्पादन कार्य किया जाता है तो वो कार्य किया जाता है लाभ के उद्देश्य से, और लाभ ज़्यादा कब होगा, जब उसकी लागत कम होती है। तो कितनी लागत लगानी है, लागत को कम कैसे किया जाना है, किस प्रकार से लाभ को बढ़ाया जा सकता है वस्तु की क्वालिटी को बिना चेंज किए, तो लागत लाभ की गणना में, क्योंकि जब तक उत्पादक या व्यापारी होता है उसको जो है तब तक उसे पता नहीं चलेगा, जब तक उसे लागत का पता नहीं होगा तब तक वो अपने लाभ की संभावनाएं नहीं ज्ञात कर सकता है, और लाभ की संभावनाएं जब उसे ज्ञात होगी, जब उसे लागत का पता होगा, और लागत का पता होने के बाद और किस प्रकार से लाभ को आगे बढ़ाना है इसके बारे में वो अनुसंधान खोजे वगैरह टेक्नोलॉजी वगैरह लगाता है, जिससे उसकी लागत भी कम हो जाए
और वस्तु की क्वालिटी और ज़्यादा बेस्ट हो जाए, क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना ही उसका जो है लाभ बढ़ पाएगा वस्तु को बेचने के बाद। इस प्रकार ये आपके मुद्रा के महत्व होते हैं जिसकी अपने को डिटेल बनानी है। अगर आपके एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आता है तो अपन पहले इस प्रकार से इंडेक्स देंगे, पहले मुद्रा के महत्व के बारे में बताएंगे जो मैंने आपको पहले 5-7 लाइनें बताई थी, उसके बाद अपन इसकी डिटेल देंगे और डिटेल देने के बाद आप एक एक पॉइंट्स का जो है वर्णन करेंगे। इसको बनाने से एग्जामिनर को एक तो ये पता रहता है कि बच्चे को आता है कुछ पता है, और ये पॉइंट्स देख के आप वन बाय वन जो है वर्णन कर सकते हो, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।